फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 45 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कॉल रिकॉर्डिंग चालू कैसे कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का कॉल लॉग ओपन करना है। ये जो कॉल लॉग होता है ना, इसमें आपको सबसे ऊपर ये 3 डॉट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसमें आपको सेटिंग का जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस पेज में आपको नीचे की साइड ना दो ऑप्शन मिलते हैं कॉल रिकॉर्डिंग के, तो ये दो देखिए, पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड अननोन नंबर, इसके सामने वाले बटन को चालू करना है। तो ये बटन को टैप करेंगे, ये पेज आएगा, इसमें आपको नीचे ऑलवेज रिकॉर्ड का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो ये बटन चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा, आपके मोबाइल फोन पे कोई भी अननोन नंबर यानी अनजान नंबर से कोई भी कॉल आएगा तो उसकी सारी बातें रिकॉर्ड हो जाएगी आपके फोन में, ठीक है। और देखिए दूसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक रिकॉर्ड दिस नंबर, इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये पेज आएगा, इसमें आपको सबसे ऊपर ऑलवेज रिकॉर्ड के सामने वाला बटन ये भी चालू करना है। तो बटन को टैप कीजिए, ये पेज आएगा, इसमें आपको ऑलवेज रिकॉर्ड का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ये बटन चालू हो जाएगा। अब इसके बाद आपको नीचे चूज ए कॉन्टैक्ट का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो इससे आपके मोबाइल फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी। आप यहां से कॉन्टैक्ट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, आप एक एक करके मल्टीपल नंबर आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देखिए जो भी कॉन्टैक्ट नंबर आपने सेलेक्ट किए होंगे ना, तो इन कॉन्टैक्ट नंबर से जब कभी आपके फोन में कॉल आएगा तो इनकी भी कॉल रिकॉर्डिंग आपके फोन में ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फोन में कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।